हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिप्स बाय रवि। तो दोस्तों, आज से आपको रोजाना करंट अफेयर आपको सुबह ब्रेकफास्ट से पहले मिल जाएंगे आपके। और ये केवल करंट अफेयर नहीं, उसके साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा उससे रिलेटेड वो भी बताया जाएगा। पूरे करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर तो क्लियर होगा ही होगा, और साथ ही जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो जितने भी करंट अफेयर आएंगे आप डेली की डेली देखते जाइए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपको देखकर महसूस हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की विजेता सूची में शामिल ना होने के कारण किस तीरंदाजी कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में एक तीरंदाजी कोच ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो नाराज थे कि जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार के विजेता की सूची अभी हाल ही में आई है उनमें उनका नाम शामिल नहीं था, इसलिए नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनका नाम आपको बताना है, तो उनका नाम है जीवन ज्योत सिंह। जीवन ज्योत सिंह, नाराजगी के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको मालूम है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है, और आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इसके अंतर्गत अनेक पुरस्कार आते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो उनमें से एक द्रोणाचार्य जो पुरस्कार था उन विजेताओं में जीवन ज्योत सिंह का नाम शामिल नहीं था, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये केवल कोच को दिया जाता है, जो टीम के कोच होते हैं, जो बेस्ट कोच होते हैं उनको दिया जाता है ये। देखिए, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसके अंतर्गत जो भी कोच चुने जाते हैं विजेता को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है इनाम के रूप में। अब जो द्रोणाचार्य पुरस्कार के जो विजेता थे उनको चुनने के लिए जो उनकी जो चयन समिति थी उनके हेड का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उनका नाम था मुकुल। ठीक है, उनका क्या नाम था? मुकुल। पूरा नाम बोला जाए तो मुकुल मुदगल। और यही मुकुल मुदगल ये ध्यानचंद पुरस्कार के जो चयन समिति के उनके भी अध्यक्ष यही थे। नेक्स्ट देखते हैं, मशहूर फिल्म मेकर कल्पना लाजमी का हाल ही में निधन हो गया। वे कितने वर्ष की थी ये आपको बताना है, तो वो 64 वर्ष की थी। कौन? कल्पना लाजमी, जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है। 23 सितंबर को इनका निधन हुआ है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर थी और प्रोड्यूसर भी थी, उसके साथ साथ स्क्रीन राइटर भी ये थी। इनकी जो आखिरी मूवी इन्होंने जो डायरेक्ट की थी वो चिंगारी थी, अगर आपको मालूम हो 2006 में रिलीज हुई थी चिंगारी, ये की आखिरी फिल्म थी जो इन्होंने डायरेक्ट की थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी अच्छी मूवी डायरेक्ट की हुई है, जैसे दमन, आपने नाम सुना हो, दमन, रुदाली, दरमियान, ये सब इनकी मुख्य फिल्में थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसे नेपाल पर्यटन के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो जया प्रदा को। इनको तो आप जानते होंगे, ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं ये अपने जमाने में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये भी आपको अगर मालूम हो, राज्यसभा की ये सदस्य भी रह चुकी हैं। आपको मालूम ही होगा 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ना, उन 12 में से एक बार इनको भी नियुक्त किया गया था। अब इन्हें 4 सालों के लिए नेपाल पर्यटन के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखिए, इनकी नियुक्ति क्यों की गई है, सद्भावना राजदूत की जो रूप में इनकी नियुक्ति है वो क्यों की गई है, ये उद्देश्य मेन यही था कि भारत और नेपाल के बीच जो सांस्कृतिक जो संबंध है उनको मजबूत किया जाए, और भारत के अंदर जो नेपाल के टूरिस्ट आते हैं उनको और बढ़ावा दिया जाए। तो पर्यटन यहाँ पे नाम आया है, तो पर्यटन मंत्री आपको मालूम होना चाहिए, भारत के जो पर्यटन मंत्री है वो केजे अल्फांसो है। ठीक है, केजे अल्फांसो। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेपाल की बात आई गई है, तो नेपाल को मैप में आप जानते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है, उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में है, और कैपिटल इसकी काठमांडू है, और करेंसी इसकी रुपी है। आप जानते हैं लगभग 7 देशों के जो करेंसी है वो रुपी है, मगर उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे करेंसी क्या है? रुपी ही है, नेपालीज रुपी। और प्रेसिडेंट वहां के कौन है? विद्या देवी भंडारी, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो खड्गा प्रसाद ओली है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन लैंग्वेज का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए साइन लैंग्वेज है क्या।
जैसे जो भी पर्सन डेफ होते हैं, जिनकी सुनने की क्षमता नहीं होती जिनकी, तो उनको कुछ भी चीज समझाना है तो साइन लैंग्वेज के थ्रू ही समझाना पड़ता है। तो इसी कारण से, उसी उद्देश्य से साइन लैंग्वेज का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर 2018 से अब शुरू कर दिया गया है। अब देखिए, ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 23 सितंबर को ही क्यों ये शुरू किया गया। तो 23 सितंबर 1951 में WFD की स्थापना हुई थी। और ये WFD क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ। तो WFD की स्थापना 23 सितंबर 1951 में हुई थी, उसी कारण से ये 23 सितंबर को शुरू किया जा रहा है। अब ये जो साइन लैंग्वेज का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसकी घोषणा किसके द्वारा हुई है? यूएन के द्वारा इसकी घोषणा हुई है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसके बारे में, इस बार का इसका थीम पूछा जाएगा आपसे। तो इस बार का जो थीम है इसका, वो आप नोट कर लीजिए, विद साइन लैंग्वेज एवरी वन इज इंक्लूडेड। विद साइन लैंग्वेज एवरी वन इज इंक्लूडेड, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थीम है ये। अर्थात साइन लैंग्वेज के साथ हर कोई शामिल है। अब देखिए, यूएन की यहाँ पे बात उठी है, तो यूएन का हेडक्वार्टर आप याद कर लीजिए, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है? और यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनी गुटेरेस जो है, ये हाल ही में भारत भी आने वाले हैं, 1 अक्टूबर को ये भारत पहुंच जाएंगे। 2 अक्टूबर को कार्यक्रम है, तो उसे अटेंड करने के लिए ये 1 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। और देखिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, ये भी नाम आया हुआ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिनलैंड में है, ठीक है? और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप नाम याद रखना चाहे कर सकते हैं, कॉलिन एलन इसके प्रेसिडेंट हैं, इसके अध्यक्ष जो हैं वो कॉलिन एलन हैं। देखिए, साइन लैंग्वेज को शुरू करने का जो मेन उद्देश्य है ना, वो जो पर्सन सुन नहीं सकते हैं, उनको भी सोसाइटी में समान हक मिले, उनको भी इंक्लूड किया जाए, तो ये उद्देश्य से ये शुरू किया गया साइन लैंग्वेज डे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इब्राहिम सोली ने अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इन्होंने हराया किसे है? अब्दुल्ला यामीन को हराया है। अभी फिलहाल तो अब्दुल्ला यामीन ही रहेंगे नवंबर तक, नवंबर में ये पद संभालेंगे इब्राहिम सोली है। मालदीव की बारी आई, तो मालदीव आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है। ये भारत है हमारा, भारत के दक्षिण साइड में आप देख रहे हैं ये गोला सा, ये है माल, एक ये आइलैंड है। अब इसकी राजधानी आपको मालूम होनी चाहिए, माले इसकी राजधानी है। यहाँ की भी करेंसी जो है वो रुपया है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल्ला यामीन अभी करंट में हैं। और हमने आपको बता दिया, जो जीते हैं इब्राहिम सोली, वो नवंबर में अपना पद संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में विश्व का 16वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना? तो ये कौन सी रिपोर्ट है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो जो 16वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है, वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। भारत की नजर से अगर देखा जाए तो सबसे व्यस्त वो ये पहला एयरपोर्ट है। अगर वर्ल्ड सूची में देखेंगे तो ये 16वें नंबर पर आ रहा है। तो इस रिपोर्ट में पहले नंबर पे कौन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। किस देश में है? तो ये अटलांटा में है, ठीक है? कहाँ पे है? अटलांटा में। तो पहला ये है इस सूची में। और 16वें नंबर पे कौन सा है? 16वें नंबर पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और भारत के जितने भी इस सूची में आए हैं ना, तो उसमें से पहले नंबर पर है भारत की नजर से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है? और इस सूची में दूसरे नंबर पर कौन आएगा? आपको मालूम हो गया, अटलांटा का ये जो हवाई अड्डा पहले पे है, और दूसरे में बीजिंग हवाई अड्डा है। ये कहाँ पे है? बीजिंग में ही है। बीजिंग तो आपको मालूम है चाइना की राजधानी है। और तीसरे नंबर पे है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दुबई में ही है, ठीक है? इतनी बातें आप याद रखिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप जानते हैं, दिल्ली में है ये, IGI ये जो एयरपोर्ट है ये दिल्ली में है, ठीक है? अब कुछ बातें आप याद रखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, क्योंकि बात यहाँ पे आ गई है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है क्या। तो देखिए, ये जो है हर साल विश्व में जितने भी एयरपोर्ट हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से, बहुत सारे पक्ष देखता है, तो उनकी क्वालिटी के हिसाब से ये रैंक निकालता है हर साल। इसकी स्थापना जो है वो 1970 में हुई थी, और इसके अंतर्गत टोटल 1953 एयरपोर्ट आते हैं पूरे विश्व में। इसके अंतर्गत जो ये सूची निकालता है, 1953 एयरपोर्ट हैं, और इसके अंतर्गत
176 देशों को ये शामिल करके रखता है अपने अंदर, कि 176 देशों के जो एयरपोर्ट टोटल हैं वो 1953 जो एयरपोर्ट है इसमें शामिल हैं, उन्हीं की ये सूची उनमें से निकालता है रैंकिंग, उसी में से ये देखता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने पुरुष एकल चाइना ओपन का खिताब जीता? तो एंथनी सिनिसुका गीटिंग ने जो है एकल चाइना ओपन का खिताब जीता है, और ये है इंडोनेशिया के, और इन्होंने हराया किसे, इन्होंने जापान के खिलाड़ी हैं केंटो मोमोटा, इनको हराया है। और केंटो मोमोटा के बारे में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम होनी चाहिए, अभी एक हफ्ते पहले ही इन्होंने जापान ओपन खिताब जीता है। तो जापान ओपन खिताब किसने जीता, केंटो मोमोटा ने जीता है, इनको अभी हराया है चाइना ओपन खिताब में किसने, एंथनी सिनिसुका गीटिंग ने, ये इंडोनेशिया के हैं, और केंटो मोमोटा ये जापान के हैं, और ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया के जकार्ता में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भी एंथनी सिनिसुका गीटिंग ने केंटो मोमोटा को हराया था। अब देखिए, जो ये चैंपियनशिप हुई थी चाइना ओपन खिताब के लिए, तो ये चाइना में हो रही थी, ठीक है, चाइना में हो रही थी, चाइना में कहाँ, चाइना में हांगजो में हो रही थी, चाइना में हांगजो में ये हो रही थी। अब क्योंकि ये चाइना में हो रही थी, चाइना के बारे में आप देख लीजिए, चाइना आप जानते हैं पॉपुलेशन के मामले में पूरे विश्व में नंबर वन पर अभी, मगर कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ सालों के बाद इंडिया उसे पछाड़ ही देगा जिस तरीके से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। और कैपिटल चाइना की है बीजिंग, और करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पाक्योंग हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पाक्योंग हवाई अड्डा अभी सुर्खियों में है, ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और ये कहाँ पे है, सिक्किम में है, भारत का 100वें नंबर का ये हवाई अड्डा है। तो इसके उद्घाटन के बाद सेंचुरी हो गई है हवाई अड्डों की गिनती में, तो 100 हवाई अड्डे हो चुके हैं। इसका निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है, AAI, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब क्योंकि ये हवाई अड्डा सिक्किम में है, तो सिक्किम आप जानते हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये देखिए मैप में सिक्किम आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल के बगल में। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं पवन कुमार चामलिंग। राज्यसभा की सीटें एक है यहाँ पे, लोकसभा की सीटें एक हैं, और विधानसभा की सीटें 32 है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत के तहत कितने राज्यों को पुरस्कार दिए गए? तो 3 राज्यों को पुरस्कार दिए गए हैं। अब देखिए, ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, AMRUT, अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 2015 में लॉन्च हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्म के जो मेन पर्सन है इस मिशन के, तो वो हरदीप सिंह पुरी हैं। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कौन से 3 राज्य हैं जिनको पुरस्कार ये दिए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश को दिया गया है, उड़ीसा को दिया गया है, और मध्य प्रदेश को दिया गया है, जिसमें सबसे आगे आंध्र प्रदेश है। अब देखिए, इसके अंतर्गत 116 शहरों को रैंक किया गया है। अब ये रैंकिंग इस हिसाब से दी गई है कि जो अटल मिशन शुरू हुआ था ये 2015 में, इसमें किसने अपना जो योगदान है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहा है, और दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे मध्य प्रदेश, इन तीनों को मिला है जो शीर्ष पे 3 है। क्योंकि आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको मालूम है अमरावती है, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू हैं वहां के मुख्यमंत्री, और नरसिम्हा ये वहां के इस समय गवर्नर हैं, पूरा नाम है ESL नरसिम्हा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो दीपक पूनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता है हाल ही में। दोस्तों, दीपक पूनिया स्वर्ण पदक जीत जाते, मगर फाइनल में आकर ये तुर्की के खिलाड़ी हैं उनसे हार गए। तुर्की के उस खिलाड़ी का नाम भी आप अगर जानना चाहें तो याद रख सकते हैं, अरिफ ओजन से ये हार गए हैं, तो इसलिए स्वर्ण पदक ना जीत कर ये रजत पदक जीते हैं। किससे हारे हैं ये, तुर्की के एक खिलाड़ी जिसका नाम है आरिफ ओजन, उससे हार गए हैं। और ये हो कहाँ रहा था, ये तो स्लोवाकिया में हो रहा था, ये स्लोवाकिया में हो रहा था।
अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए स्लोवाकिया है कहाँ। तो स्लोवाकिया जो है पोलैंड के नीचे छोटा सा एक देश है स्लोवाकिया, वहां पे हो रहा था ये। स्लोवाकिया की जो कैपिटल है वो ब्रातिस्लावा है। स्क्रीन पर आपके देखिए आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। करेंसी इसकी यूरो है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत में 5G शुरू करने के लिए एनटीटी और सॉफ्ट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीटी और सॉफ्ट बैंक ये जापान की दोनों कंपनियां हैं, तो इसका राइट आंसर है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने 5G शुरू करने के लिए एनटीटी और सॉफ्ट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बीएसएनएल की फुल फॉर्म तो आपको मालूम है, भारत संचार निगम लिमिटेड। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी बीएसएनएल की। और सीईओ यहाँ के कौन है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बीएसएनएल के, अनुपम श्रीवास्तव। ये इसके फिलहाल सीईओ हैं अनुपम श्रीवास्तव। अब आपको सॉफ्ट बैंक और एनटीटी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो एनटीटी देखिए, एनटीटी कम्युनिकेशन एक जो कंपनी है ये भी जापान की कंपनी है। तो जापान के टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। जापान की राजधानी टोक्यो है आप जानते ही हैं, तो टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के बता दिया रहा। और यहाँ के जो सीईओ हैं एनटीटी कम्युनिकेशन के, जो सीईओ हैं टेट सुया उनका नाम है। पूरा नाम देखा जाए तो टेट सुया सोजी इनका पूरा नाम है। और जो सॉफ्ट बैंक के बारे में आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर भी टोक्यो में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी टोक्यो में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, जो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन के बता दिया जा रहा है। और सीईओ कौन है, तो मासा योशी सोन इसके सीईओ हैं। इतनी बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष का निधन हो गया है भाई? तो विश्वनाथ दत्त जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। बीसीसीआई की फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1928 में हुई थी। अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो सीके खन्ना इसके प्रेसिडेंट हैं, इसके अध्यक्ष सीके खन्ना हैं। और जो सीईओ हैं इनका अगर नाम याद रखना चाहें तो राहुल जोहरी जो हैं इसके सीईओ हैं अभी, राहुल जोहरी। और बीसीसीआई के तहत जो पुरुषों की टीम है उसके जो कोच हैं वो रवि शास्त्री हैं, आप सब जानते ही हैं। और जो वुमेन्स टीम है उसके जो कोच है वो रमेश पवार हैं। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 25 सितंबर के। इसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आज से एक कॉपी ले आइए, उसमें आप डेली के डेली करंट अफेयर लिखते रहिए। और एग्जाम के टाइम में आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर जो चार लेक्चर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।